एक बड़ा सा राज्य था, उसमें एक बलवान राजा रहता था। उसके पास कई सारे हाथी थे, उनमें से एक शक्तिशाली, आज्ञाकारी और युद्ध में निपुण था। बहुत से युद्ध में उसे भेजा गया था और वह राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था, इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक ऐसा समय भी आया जब वो निष्क्रिय हो गया। अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने गया था और फिर वही पिक्चर में उसका पैर धस गया और फिर धसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन वह उस पिक्चर से बाहर निकल नहीं पाया। उसके चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को ये पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक पहुंच गया। राजा और सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और उसे निकालने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने रस्सी डाली और खींचा पर रस्सी टूट गई। बहुत बड़े बड़े गप्पू लेके निकालने की कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। तभी गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। राजा और सभी मंत्री गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया और आप हमें हाथी बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। और गौतम बुद्ध हाथी जहां बचा था उसके पास गए और फिर राजा को सुझाव दिया। सरोवर की चारों ओर युद्ध का माहौल खड़ा किया जाए। सुनने वालों को बड़ा अजीब लगा कि भला युद्ध का माहौल खड़ा करने से यह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। और फिर सरोवर के आसपास युद्ध का माहौल खड़ा किया गया। कई नगाड़े बज रहे हैं। चलने की आवाज आ रही है। सैनिक लोगों और तलवारों की आवाज आ रही है। कहीं पिस्तौल की आवाज आ रही है, मशीन गन की आवाज आ रही है, दो गोलों की आवाज आ रही है और धमाकों की आवाज आ रही है। बस चारों ओर शोर ही शोर। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि
कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी होने ना दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। सबका कल्याण हो।